असल दे विच गल इन्नी क अपसेटिंग आ कि मैनू बोलते हुए भी शर्म आ रही आ भी मैं गल शुरू करा तां करा किस तरह। गल इदां आ कि मैनू अज 5:30 बजे एक वीडियो मिली जिस दे विच नानक सर गुरद्वारा साहब की ठाठ दे विच उत्थे कीर्तन करन वाला एक बाबा जिसका नाम जसी आ, जो आइडेंटिफिकेशन तो बाद ही मैं लाइव आई हाँ, जो कि छोटी कौके का रहने वाला आ। ओह बहुत ही आपत्तिजनक सिचुएशन दे विच एक छोटे जे 10-12 साल दे लड़के दे नाल, लड़का बिल्कुल नंगा आ, निक्का बच्चा आ, उहदे नाल ओह बहुत ही घटिया तरीके नाल उहनू सैक्सुअली अब्यूज कर रहा, उस बच्चे नू, वो बच्चे दे प्राइवेट पार्ट्स नू लिक कर रहा, फिर उहनू दस रहा, उहनू बोल रहा कि मेरे ढिड ते बैठ, इत्थे बैठ, ऐदां कर। मैनू ओ बाबे दियां उस बच्चे दे नाल दो वीडियोज मिलियां जो कि मैं चाइल्ड कमीशन अते जो लुधियाना रूरल दे SSP आ उहनां नू फॉरवर्ड कर चुकी हाँ। मैं ऑलरेडी कंप्लेंट भी जिहड़ी हैगी आ दे चुकी हाँ SSP जगराओं चाइल्ड कमीशन नू, एंड जगराओं दे जिहड़े DSP हैगे आ ओह मैटर नू देख रहे आ। पर क्योंकि ये मसला बहुत ही ज्यादा किते ना किते लोकां दियां धार्मिक भावनावां जुड़ियां होईयां ने, क्योंकि एक बहुत ही साडे वल्लों सत्कारयोग बहुत ही पवित्र ठाठ है। मैं भी मत्था टेकण उत्थे जांदी रही आ जदों जगराओं वल जाने आ। सो बहुत रिस्पैक्ट आ गुरु नानक देव जी दे नाम दे उत्ते, नानकसर ठाठ आ। ते हुण जगह ते कोई किहो जिहा किवें तुरिया फिरदे आ किसे नूं नहीं पता हुंदा, बट वो वीडियो दे विच क्लीयर आ। ते उहदी कीर्तन भी उहने परसों दे कीर्तन दी भी मैं उहदी वीडियो देखी, उहदी फोटो देखी आ बाबे दी जिहदा नाम जस्सी आ, छोटी कौके दा रहण वाला आ, ते निक्के जिहे बच्चे। हुण इह वी नहीं पता हैगा कि उह बच्चा कित्थे आ किवें आ, क्योंकि बच्चे बारे कुछ भी नहीं पता लग सकिया। बट वीडियो दे विचों ये चीज क्लीयर हो गई है कि वह बाबा कौन आ, बच्चे की शकल देख रही है बट ये नहीं पता वह बच्चा कौन आ। बच्चा किहो जिहे हालातां च आ मैनूं खदशा है कि बच्चे की जान नूं खतरा भी हो सकता आ। ते इंटरनल जिहड़े सोर्सिस तों मैनूं होर गल्लां पता लगियां, इह भी पता लग्गिया कि इह बाबा इहो जिहे ही काम करदा, ही इज गे, एंड उहदे पिंड तों भी पता लग्गिया आ कि उह हुण तों नहीं, उह हमेशा ही इहो जिहा काम करदा। इत्थे तक कि लोक अपने बच्चियां नूं बोलदे आ कि इहदे कोल ना जाणा, और इह कोई पहला शिकार बच्चा नहीं हैगा उहदा जिहड़ी वीडियो दे विच देख रहा आ। सो मेरी बेनती आ कि जिहड़े भी जाणदे आ ते जे कदे किसे दा बच्चा उस जस्सी बाबे दा शिकार होया, प्लीज तुसी डरो ना, अगे आओ उहदे खिलाफ, तां कि इहो जे हैवान नू जो एक साध दा भेसधारी बैठा आ उहदे खिलाफ डट के लड़ाई लड़ के उहनू जेल दे अंदर सुट्टिया जावे ते इहो जे नू फांसी दी सजा दवाई जावे। ओह बच्चे दे नाल जिस तरीके नाल काम कर रहा आ, जो कारा बच्चे नाल कर रहा आ, ओह देख के कोई भी आम इंसान रोन लग जाए, कोई भी आम इंसान। मेरे को 5:30 बजे वीडियो पहुंची सी, सारे तरीके हथकंडे अपनाउण तो बाद मैं देखिया जदों हले तक उहदी अरेस्ट नहीं पई। ऑल दो मैनू पुलिस ने श्योर किया आ कि वह उहदे खिलाफ एक्शन लैणगे, पर मैनू लग्या कि उहनां दे उत्ते एक जिहड़ा पब्लिक का प्रैशर पाउण दी खातर ये गल लाइव आके बोलनी बहुत ज्यादा जरूरी आ। अदरवाइज मैं कदे भी किसी भी चाइल्ड अब्यूज केस दे विच ऐसा चाह के इदा लाइव नहीं बोलती, पर इहदे विच लाइव आके बोलना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि उस बाबे नूं फड़ना बहुत ज्यादा जरूरी आ। वेरीफाई कर चुकी हाँ बाबा उह जस्सी आ, उहदा नाम छोटी कौके दा रहण वाला आ, ते उहने पहलां भी इहो जी हरकत कई बच्चियां नाल कीती आ। सो मेरी बेनती आ कि जिहड़े जे कोई भी जगराओं दे नेड़े तेड़े वाला, चाहे कौंकियां वाला कोई भी इंसान हैगा जिन्हों पता उहदे कारनामे, कृपा करके अगे आओ तां कि उह बाबे नूं उहनूं फड़िया जा सके जो बाबा कहाउण दे लायक नहीं, जो एक पवित्र स्थान दे उत्ते इहो जिहा कार्य करदा आ।
वीडियो दे बेच कमरा पूरा देख रहा है, वीडियो दे बेच उदा चोला पिया देख रहा है, वीडियो दे बेच गंदे गंदे तरीके नाल बच्चे नाल जिहो जिया गल्लां कर रहा वह भी देख रहा है। बट क्योंकि इहो जी ए चाइल्ड पोर्न चाइल्ड अब्यूज का केस आ ते ए वीडियो पब्लिक प्लेस दे विच नहीं सांझी की जा सकती थी क्योंकि इहदी सर्कुलेशन भी एक किस्म का जुर्म आ। सो इस करके मेरी तुहाडे अगे हाथ जोड़ के बेनती है कि कृपा करके इस चीज दे लई अगे आओ, जेड़े किसी नूं भी इस चीज दे बारे पता आ, बल्कि जेड़े लोग धार्मिक स्थाना ते इहो जिहे गुनाह करदे ने, क्योंकि धार्मिक स्थान साडी आस्था नाल जुड़े हुंदे ने, जिथे गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश हुंदा आ, ते इहो जिहे लोग साध दा भेख कीर्तनीए दा भेख धार के गलत काम करदे ते सजा दे आम इंसान नालों किते ज्यादा आम मुजरम नालों ज्यादा हकदार हन। सो मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कृपा करके इस चीज नूं संजीदगी नाल लिया जावे, पुलिस ते प्रेशर पाया जावे, उस बंदे नूं अरेस्ट करके जेल दे बेच भेजा जावे, ए भी वेरीफाई किया जावे कि उन्हें होर भी बच्चों नाल इहो जिहा कुछ किया आ, ते बच्चे की प्रोटेक्शन आ जिहड़ी ओह इंश्योर की जावे। बच्चे की प्रोटेक्शन इंश्योर करनी बहुत ज्यादा जरूरी आ। पुलिस वालों ये कहा जा रहा कि इहदे विच कंप्लेनेंट नहीं आया। सो पॉक्सो के अधीन जेकर पॉक्सो के ऑफेंस की सानू इनफोरमेशन मिलती आ तो उहदे विच सुओ मोटो लैणा लैके भी पुलिस एफ आई आर दर्ज कर सकती आ। इहो जे केसां दे विच कंप्लेनेंट है नहीं है वह भी जरूरी नहीं, क्योंकि इहो जे केसां दी कॉन्गनीजेंस पुलिस लै सकती आ। बट फिर भी पुलिस नूं मैं क्या कंप्लेनेंट मैं बनन नूं तैयार आ। पता नहीं किन्ने बड़े लेवल ते उन्हों बचाउण दीआं तैयारियां हो रही होणगीआं। सो लोकां दे साथ दी जरूरत आ, कृपा करके साथ दवो तां कि इहो जिहे बंदे नूं फांसी दी सजा दवाई जा सके। जल्दी उस बंदे दी फोटो भी मैं शेयर करांगी। धन्नवाद।